Hi everyone, welcome to Educated Himalaya. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है आप सभी लोगों के लिए क्योंकि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस में वैकेंसीज भरने का फैसला लिया है कितनी पोस्ट है किस तरह से इसको बाइफर्क्रिएट किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में मेल कितनी है फीमेल कितनी है क्या ड्राइवर की पोस्ट है ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा और आप सभी के जितने भी रिलेटिव दोस्त और जूनियर्स हैं आप जिनकी केयर करते हैं और चाहते हैं कि वो ये तैयारी करें या उनको ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उन सभी के साथ यह वीडियो जरूर साझा करें हमारी कोशिश रहेगी कि आप सभी लोगों के लिए जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं किस तरह से तैयारी करनी है मैथ्स के लेक्चर स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स क्या करंट अफेयर्स किस तरह से पढ़ना है वो सभी हम लाएंगे उसके लिए आपको बस करना इतना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और चलिए तो इस इंफॉर्मेशन को आपसे शेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड इन दी ऑनलाइन फॉर्मेट मतलब सबसे पहली बात तो कि ऑनलाइन फॉर्मेट है यहाँ पर आपकी पे दी गई है ये कहा गया है कि जो पे बैंड वो दो सौ रुपए के बीच होगा ग्रेड पे उन्नीस सौ रुपए है ठीक है अब उसके बाद देखेंगे कि आपको जो रेगुलर पे बैंड है वो क्या है दस हजार तीन सौ और चौतीस आठ सौ का जो बत्तीसौ ग्रेड पे जिसमें है वो आपको मिलेगा आठ साल की रेगुलर सर्विस के बाद ठीक है तब तो आप यहां देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या है यहां पर देख लीजिए जनरल के लिए क्या है 18 से 25 जो है एज है ट्वेल्थ क्लास आपकी होनी चाहिए और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए मेल के लिए 5 फीट 6 इंच ठीक है और आपकी जो फीमेल्स हैं उनकी फाइव फीट दो इंच जो है वो हाइट होनी चाहिए मिनिमम चेस्ट फॉर मेल ओनली ये आपको देख रहे हैं 31 बाय बत्तीस जो इंचेस है वो आपको ध्यान रखना है uh, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अठारह से सत्ताईस है एज हाइट पाँच चार लड़कों के लिए पाँच फीट जो है लड़कियों के लिए ओ के लिए भी 18 से 27 पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो हाइट है वो है पाँच छः मतलब ये मिनिमम हाइट है पाँच दो लड़कियों के लिए तो अगले सेक्शन में देखने की कोशिश करते हैं गोरखास के लिए पाँच चार हाइट है अठारह से सत्ताइस है होम गार्ड्स की अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बीस से अट्ठाइस जो है वो उम्र है पाँच छः आपकी हाइट होनी चाहिए लड़कों की और लड़कियों की हाइट है पाँच दो रहनी चाहिए आप साथ ही ये देख लीजिए आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं होम गार्ड एस सी एस ये जो है सारा का सारा देख लीजिए अब आप यहाँ पर देखें जो मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट अगर रिजर्व कैटेगरी एक्स सर्विस मैन के लिए वो सिर्फ टेंथ क्लास है ये जो आपको दी गई है उसके बाद यहाँ पर देखा यहाँ पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एज द स्टैंडर्ड मैंशन अब आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर द एलिजिबल रिक्रूटमेंट मतलब जो स्टैंडर्ड ऊपर दिए गए हैं वो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल कंपल्सरी है अब बात आती है जो कट ऑफ एज है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी मतलब जब आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको 31 दस 2021 तक आपको कैलकुलेट करना है मतलब जितने भी सर्टिफिकेट है जैसे कुछ यहाँ पर लिखा गया है कि इंटर आलिया जो इंक्लूड हिमाचल बोनोफाइड है रिजर्व कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है मेल कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए ये भी इकतीस दस दो की डेट के हिसाब से वैलिड होने चाहिए अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश के बोनोफाइड सिटीजन है ठीक है अब यहां पर देखना है कि आपको सबमिशन कब करनी है सबमिशन एक अक्टूबर 2021 से लेके 31 अक्टूबर दो मतलब आपके पास अक्टूबर का पूरा महीना है पर मैं यहां पर हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप ये वक्त रहते फिल कर दीजिए बहुत बार साइट नहीं चलती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है तो आप देख लीजिए तो यहां पर आपको यू भी दिया है रिक्रूटमेंट एच पी पुलिस डॉट गवर्नमेंट डॉट इन यहाँ पर आपको अप्लाई करना है ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है Uh, इसको मैं um, किस्तों में आपसे शेयर करूंगा क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना है और मैं ऐसे सारे वीडियोस इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देने की कोशिश करूंगा ठीक है तो आज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जानने की कोशिश करते हैं कैटेगरी एंड अदर डिटेल्स फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन एप्लीकेशन तो यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी की डिटेल डालेंगे वो आपकी कैटेगरी नहीं सिर्फ जो भी डिटेल डालेंगे वो आपकी फ़ाइनल होगी हालांकि इससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा किस तरह से फॉर्म भरना है क्या करना है तो सब्सक्राइब कर लेना अच्छा तो यहां पर ये यह कुछ इंफॉर्मेशन हुई फी की बात करते हैं फी किस तरह से होगी इंक्लूड हंड्रेड रुपीज ठीक है फीस ये है हंड्रेड रुपीज देनी है प्रोसेसिंग फी टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड मतलब तीन सौ रुपए जो है आपकी फॉलोइंग कैटेगरी के लिए जनरल गुरखाज और होमगार्ड्स के लिए उसके बाद आप देखें यहां पर क्या है विमेन के लिए एक सौ पचास रुपए और यहां पर देखिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एस सी एस टी ओ बी सी बी पी एल ई डब्ल्यू एस उनसे मिलेंगे एक सौ पचास रुपए दिस इज अ वेरी गुड थिंग और विमेन के लिए होम गार्ड के लिए भी ओ बी सी एस सी और एस टी के लिए पेमेंट गेट अवे पेमेंट क्या है ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पर जो है उनकी यू आर एल होगा एच पी पुलिस वेबसाइट पर यहां पर कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं जहां पर आप फॉर्म भरेंगे अब बात आती है कि टोटल वैकेंसी ऑफलाइन मोड पर भी आप कर सकते हैं एस बी आई ब्रांच में आपको क्या करना है यहां पर आपको चलान करना है ठीक है जो डिटेल्स ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म जो है वो अलग से आपको सेपरेटली मिल जाएंगे वैकेंसीज़ की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज गोइंग है कॉलेज पास आउट हो चुके हैं जिनकी उम्र है 18 से 25 18 से सत्ताईस आप जिस भी कैटेगरी में है 18 से 28 भी हो सकती है तो यहां पर देखें जनरल ड्यूटी जनरल ड्यूटी की आपके पास पोस्ट है, कुल यानी 1, 2, 4, जो अंग्रेज है उनके लिए भी है बारह सौ मेल की जिसमें से नौ सौ बत्तीस तीन सौ ग्यारह जो है फीमेल की जो यहाँ पर पोस्ट है अब आप देखिए कांस्टेबल जो है ड्राइवर की है 91 वन पोस्ट तो कुल मिला के तेरह यानी थर्टीन हंड्रेड एंड थर्टी फोर जो है पोस्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से आप देख लीजिए आप यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रीन में आपकी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी है तो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर कौन सी है कांगड़ा में 205 पोस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 68 फीमेल के लिए है 20 जो है 205 जो है मेल्स के लिए सॉरी दिस इज माई मिस्टेक दो सौ पाँच मेल की है 293 टोटल है 68 फीमेल की है कांस्टेबल की 20 है अब आप 100 प्लस अगर मैं मेंशन करने की कोशिश करूं तो आप मंडी में देखेंगे 194 सीट्स उसके बाद आप देखेंगे 112 सोलन में उसके बाद शिमला में 158 103 सिरमौर में 102 ऊना में सबसे कम जो पोस्ट है वो है किन्नौर के लिए सिर्फ 16 है और लाहौल स्पीति के लिए ऑब्वियसली सबसे कम होगी पाँच ही यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलती है चंबा 102 बिलासपुर 74 आप बाकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए इसमें कि आपकी कहाँ पर लाए करती है ठीक है अब आप रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो ये छः स्टेज प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टडक्वार्टर जो है रिक्रूटमेंट का वो इसको सब कुछ मैनेज करेगा और डेट्स जो है रिक्रूटमेंट की वो सेपरेटली इशू आपसे की जाएगी ठीक है अब देखिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है तो ये तो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि जनरल के लिए पाँच छः हाइट है मेल के लिए पाँच दो इनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो हम है पहले ही आपसे कर चुके हैं तो बाकी जो इससे रिलेटेड डिटेल्स हैं वो मैं और वीडियोस में शेयर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर मसला सिर्फ इतने कोशिश इतनी है कि आपको जो जनरल इंफॉर्मेशन है पोस्ट से रिलेटेड वो दी जाए और एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हम और वीडियोस अपलोड करेंगे जो लोग इंटरेस्टेड है ऐसे में डिटेल्स जानना चाहते हैं स्टडी मटेरियल चाहते हैं उनके लिए पता है बेलाइकन दबाना है आपको और आपको क्या करना है नोटिफिकेशन जो है वो ऑन रखनी है और सब्सक्राइब करना है तो बाकी आप अभी से कोशिश करेंगे हम कि क्या है हम आपके लिए ग्रुप अभी से बना लें जो लोग इंटरेस्टेड है मैं लिंक बना डाल दूंगा वहाँ पर हम सेपरेट ग्रुप बनाएंगे उनके लिए कोशिश करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए इससे रिलेटेड उनकी प्रिपरेशन अच्छी कराई जाए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस आ, दिस वॉज एजुकेटेड हिमालय फॉर यू किसी और वीडियो में मुलाकात होगी धन्यवाद